प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली नोटों के साथ एक गिरफ्तार। बांग्लादेश बॉर्डर से करता था नोटों की तस्करी। ये मामला है प्रयागराज का, जहां स्पेशल टास्क फोर्स और प्रयागराज जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में हाथ लगा नकली नोटों का सौदागर। लगातार शहर में नकली नोटों के आवागमन और लॉकडाउन के मध्य इन नोटों के द्वारा खरीदारी की खबर के बाद स्पेशल टास्क फोर्स और प्रयागराज जिला पुलिस के अधिकारियों के द्वारा एक व्यापक सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिसके चलते ही ये बड़ी कामयाबी मिली है। किटगंज थाना क्षेत्र के परेड ग्राउंड क्षेत्र से 1 लाख के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति रुपेश कुमार गिरफ्तार हुआ है। ये व्यक्ति बंगाल, बांग्लादेश, असम बॉर्डर पर स्थित फरक्का से ये नकली नोटों को लेकर आता और शहर के कई स्थानों पर पहुंचाने का काम करता था। मुखबिर की सूचना के आधार पर जिला पुलिस एवं एसटीएफ के अधिकारियों ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस विषय में जानकारी देते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वशेष त्रिपाठी ने बताया कि इस विषय में जांच की जा रही है और जल्द ही इस विषय में और बड़ी कामयाबी हासिल की जाएगी। इस व्यक्ति के और साथी कहां कहां हैं और ये किन किन लोगों को पैसा दिया करता था, ये भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक व्यक्ति रुपेश को लोकल एसटीएफ ने गिरफ्तार करके दिया हुआ है। उसके पास 1 लाख की फेक करेंसी बताई जा रही है। इस मामले में आगे हम लोग जानकारी करते हुए और उसके बाद से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें राम स्वरूप गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, जो जिसको इसे ये नोट देने थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? पूरी चेन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्राथमिक तौर पर है। अभी आपने तुरंत मुझसे पूछ लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा। जानकारी इकट्ठा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।